हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार की एक और नई भर्ती का अपडेट लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, लेकिन यहां पर इसकी सच्चाई क्या है, जो कि कुल लगभग 16,000 यानी कि बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसमें कि मैट्रिक पास, इंटर पास और स्नातक पास अगर आप हैं तो यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, जिसमें कि चार तरह के पोस्ट हैं, जिला प्रबंधक, प्रखंड प्रबंधक, मंडली मित्र और लोन मित्र, जो कि लास्ट डेट रखा गया है 21/7/2020 तक। तो इस वैकेंसी का सच्चाई क्या है, कहां से वैकेंसी आई हुई, क्या ये बिहार गवर्नमेंट का है या कोई एनजीओ के यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, सब कुछ आगे हम बताएंगे वीडियो में, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे जॉब इस तरह के आ रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप मिस गाइड ना हो, कुछ भटके नहीं बल्कि बिल्कुल सावधान रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने एक वीडियो और भी डाला था कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो फ्रेंड्स वो जो मेक इन इंडिया का था, मुझे उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि इस तरह वीडियो आप क्यों डालते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कभी नहीं बोलता हूँ कि फॉर्म आप भरिए, ठीक है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके और आप लोग सावधान रह सकें, सतर्क रह सकें, क्योंकि इस तरह के स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है वीडियो यानी कि वैकेंसी आना शुरू हो चुका है, ताकि मैं आप लोग के लेके आता हूँ ताकि आप लोग जाने कि किस तरह की वैकेंसी आती है और आप लोग सावधान रहें, ठीक है। वरना मेरा मकसद कभी नहीं है कि आप लोग मतलब फॉर्म भरिए ही, ठीक है, आप लोग को अगर लगता है तो भर सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता हूँ आपको भरने के लिए डायरेक्ट, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोग को सावधान करता हूँ और सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन में बहुत सारे लोग आप लोग के पीछे यानी जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं कैसे हम पैसा ऐठें, ठीक है। इसलिए पहले आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिए। तो इस तरह यहाँ पर जो है अनुदान जो है एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट भी है anudan.org, जहाँ से कि इसका ऑनलाइन फॉर्म भी भराया जा रहा है। यहाँ पर देखिए संविदा चयन सूचना 22/6 का यहाँ पर दिनांक है और यहाँ पर पत्रांक भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुदान संस्था के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि जिला प्रबंधक 28 सीट है, प्रखंड प्रबंधक 434 सीट है, मंडली मित्र, लोन मित्र 7,471 सीट है यहाँ पर अलग अलग, बाकी मानदेय यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता सबके लिए अलग अलग दिया गया है और जो है मेघा सूची के आधार पर होगा चयन। यहाँ देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है, जो कि आजकल कोई बड़ा चीज़ नहीं है, कोई भी आजकल बना सकता है। 22 जून से शुरू है ऑनलाइन आवेदन और 21 जुलाई तक आवेदन करने का लास्ट टाइम है और जो मेगा सूची है प्रकाशन वो 10/8 को होगा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो, ठीक है। तो उम्र सीमा 18 से 40 साल है। बाकी यहाँ पर ठीक है, ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने तरफ से भर्ती ले रहा है। अब ये क्या काम देगा, क्या काम करेगा, ठीक है, तो पूरी तरीके से ये फेक है कि नहीं है ये बोलना किसी को भी सही नहीं है, बहुत कोई बोल रहे हैं फेक है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है संपर्क करने का, बाकी जो यहाँ पर विज्ञप्ति करता है अनुदान है, ठीक है, यहाँ पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पर क्या है कि सबको अपने ऊपर ये डिपेंड है कि आप अगर चाहते हैं जाना किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एनजीओ में, तो यहाँ पर जिसको अच्छा लगता है वो भर सकते हैं। इसका क्या है, अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन वेबसाइट पे, बाकी इसमें कुछ फीस भी लग रहा है, बाकी इसमें जो है कि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी नहीं है। ये क्या है कि आपको कोई जो एनजीओ है वो वैकेंसी निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत को बोल रहा है कि फेक है, ठीक है, फेक क्या है, वो किस तरह ले रहा है वो एनजीओ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आप जो है इसका पूरा वेबसाइट पर तो सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप फ़ोन पर या पर ऑफिस जाके सारा कुछ पता कर सकते हैं। यह एड्रेस दिया गया है दादी जी लेन बोरिंग रोड पटना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई वैकेंसी भरने से पहले जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे फेक वैकेंसी भी आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसी जैसे कि आ रहे हैं, तो आप यहाँ किस स्तर पर ये काम कराएगा, ये एनजीओ है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए आप लोग जांच पड़ताल करके ही फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तभी भरिएगा, क्योंकि इसमें आपको फीस भी लग रहा है, ठीक है। बाकी इसको पड़ताल करके आगे आप
स्वतंत्र हैं कि भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।